हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, जो हमारे एथिक्स का सातवां टॉपिक है, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, उसी में एक सब टॉपिक मेंशन है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, उसके पहले हम आपको बता दें कि ये जो पूरा लेक्चर है, इसका पूरा PDF, कंपाइल्ड PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां से आप जा करके तो चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इसका PDF आप ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में वहाँ पे अपलोडेड है। और उसके साथ एक और हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि नाम में ही मेंशन है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। देखिए, जो भी यहाँ पे टॉपिक मेंशन है वो गवर्नेंस से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग का सेंस ये है कि जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वो अपने काम के बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपने प्लान के बारे में, या फिर जो बेनिफिशियरीज हैं, जो लोग उससे प्रभावित होने वाले हैं, सबके बारे में पूरी जानकारी जो आम पब्लिक है उनके डोमेन में रखें, इसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अब ये ट्रांसपेरेंसी से कैसे रिलेटेड है? सिंपल सी बात है कि अगर आप जैसे एक आम नागरिक हैं और ये एक गवर्नमेंट ऑफिस है और आपको अच्छी तरह से पता है कि इस गवर्नमेंट ऑफिस से कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल करवाई जा रही हैं, कितने समय में अवेलेबल करवाई जा रही हैं, उसमें कितना फंड यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है ना, और उसमें कौन कौन से अधिकारी हैं, कौन कौन से ऑफिशियल्स हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अकाउंटेबल हैं, तो आपके सामने क्या आएगा कि आप ये कह सकते हैं कि आप यहाँ की ऑफिस के बारे में सब कुछ जानते हैं। और ये जो जानने वाली प्रक्रिया है, इसी को हम ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। मतलब ये कि गवर्नमेंट ऑफिस जो भी कर रही है, आम जनता उसके बारे में जानती है, इसको हम ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब तक इंफॉर्मेशन शेयरिंग इफेक्टिव नहीं होगा, तब तक जो है इफेक्टिव ट्रांसपेरेंसी पॉसिबल नहीं है। जनरली इसीलिए दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और ट्रांसपेरेंसी को। दोनों एक दूसरे को, आप ये कह सकते हैं कि पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। ओके, द इंफॉर्मेशन शेयरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा लोग शेयर करेंगे, जितना ज्यादा पब्लिक ऑफिस आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करेगी, उतना ज्यादा आपके पास नॉलेज अवेलेबल होगा। ट्रांसपेरेंसी इज द कोर एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इसको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इट इज द फाउंडेशन ऑन विच ट्रस्ट एंड फेथ कैन बी फॉर्म। ट्रस्ट एंड फेथ का यहाँ पे सेंस ये है कि जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी, उतना ज्यादा जो कॉमन पीपल हैं उनका गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट बिल्डिंग होगा, उतना ज्यादा ट्रस्ट होगा, उतना ज्यादा फेथ होगा, और जितना ज्यादा फेथ होगा उतना ज्यादा इस गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी आएगी, और जितना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी उतना ज्यादा इफिकेसी आएगी, इफेक्टिवनेस आएगी। ओके, इट इज ओनली व्हेन द पीपल नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट दैट दे कैन ट्रस्ट द अथॉरिटीज, ठीक है। दस देयर हैज बीन अ इम्फेसिस ऑन ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, सिंपल से अगर आपसे पूछ लिया कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, तो सिंपली आपको लिखना है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग इज अ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्कीम्स, लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज, स्टेटस ऑफ ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स एंड द फंड यूटिलाइजेशन। ये इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। वेयर एज ट्रांसपेरेंसी रेफर्स टू एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट विच आर नॉट केप्ट हिडन फ्रॉम पब्लिक स्क्रूटनी एंड कैंट बी ओपन। मतलब ये कि ट्रांसपेरेंसी का सिंपल सा फंडा ये है, मतलब ये है कि ये एक्शंस पे फोकस करता है कि कौन कौन से एक्शंस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ले रही हैं, और इंफॉर्मेशन शेयरिंग ये डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसका महत्व क्या है, तो सबसे पहली बात तो यही कि जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगों के पास रहेगा, उतना ज़्यादा वो पब्लिक ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल साबित कर सकते हैं। मतलब ये कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित किया जा सकता है, एंड ऑब्वियसली करप्शन को रोका जा सकता है। टू क्लेम आवर राइट, इंफॉर्मेशन जब तक नहीं होगा, आपको जब तक यही नहीं पता होगा कि हमारे राइट्स क्या क्या हैं, हमारे अधिकार क्या क्या हैं, तब तक आप उन अधिकारों का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
और अगर आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगा तो आप अपने राइट्स को आराम से क्लेम कर सकते हैं। ओके, पब्लिक हैव राइट टू नो व्हाट द गवर्नमेंट डूइंग, ठीक है ना, मतलब कि पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर रही है। उसके बाद टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट एमंग पब्लिक ऑन पब्लिक ऑफिसेस, ठीक है, जो आम जनता है उनका पब्लिक ऑफिसेस पे ट्रस्ट बिल्डिंग का काम अच्छा होगा। उसके बाद इंश्योर द प्रोबिटी, गवर्नेंस में प्रोबिटी को इंश्योर करेगा, गवर्नेंस को ज़्यादा इफिशियंट और इफेक्टिव बनाने में ये हेल्प करेगा। और जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, देखिए सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा लोगों को पता होगा, मान लो कोई प्लान आया, कोई प्रोजेक्ट आया, कोई स्कीम आई, उसके बारे में आम जनता को पता है, जो प्राइवेट लोग हैं उनको पता है, तो वो क्या करेंगे, जब उनको सब कुछ पता होगा तभी वो किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे। अगर वो लूफ में रहेंगे, एलूफ में रहेंगे कि उनको कुछ कोई प्लान कोई प्रोजेक्ट है उसके बारे में उनको पता ही नहीं है, तो वो किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको भी बढ़ाने के लिए और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग जरूरी है। उसके बाद टू रिड्यूस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री बिटवीन व्हाट इज अवेलेबल एंड व्हाट इज एग्जिस्टिंग इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, मतलब ये अभी ऑफिशियल रिकॉर्ड में क्या है और जो सामने है, इस दोनों में बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं हैं, बहुत ज़्यादा एसिमेट्री है। तो जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी उतना ज़्यादा ये एसिमेट्री कम होगी। उसके बाद जितने भी लोग हैं सोसाइटी में सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड सेट करने के लिए भी जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है और ट्रांसपेरेंसी है उसकी ज़रूरत है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं, कि क्यों ऐसा है कि अभी तक इंफॉर्मेशन अच्छे से शेयर नहीं हो पा रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पा रही है, तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं, मतलब संस्थागत जो परेशानियां हैं, उसमें क्या क्या आ जाती हैं, जैसे लैक ऑफ स्टाफ, मतलब ये कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है वही अवेलेबल नहीं है, या फिर ऑफलाइन रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स, ऑफलाइन रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स मतलब चीज़ें, फाइल्स ऑफलाइन होने की वजह से ये फाइल्स लगे हुए हैं पूरा एकदम ऑफिस में, आप अगर जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि दो दो चार चार महीने निकल जा रहे हैं, आपको फाइल ही नहीं मिल रही है, आपको चीज़ जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उसको ढूंढने में सालों लग जा रहे हैं, ठीक है ना। लैक ऑफ डिजिटाइजेशन, अगर डिजिटल चीज़ें रहें और वो आप कह सकते हैं कि डोमेन में रहें, जो ऑनलाइन अवेलेबिलिटी होती है उसको अगर प्रोवाइड की जाए तो आसानी से लोगों के पास जो है इंफॉर्मेशन पहुंच सकती है, तो ये इसकी प्रॉब्लम है। उसके बाद ह्यूज फाइल्स टू कंपाइल टू चेक फॉर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जैसा कि हमने पहले बताया। फिर प्राइवेसी एंड सिक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड राइट टू प्राइवेसी एंड ऑल्सो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ब्लॉकिंग शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए दोस्तों, ये सीक्रेट एक्ट है ना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये करप्शन का एक माध्यम बन चुका है। किसी के पास भी जाओ तो वो सिंपल सा यही कह देते हैं कि अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हम इसको आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक ये भी है कि राइट टू प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट है, हमारे संविधान में दिया गया है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन होते हैं वो भी आम जनता को नहीं मिल पाते हैं। ओके, उसके बाद ग्रीवांसेज, लाइक ऑफ ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म ऑल्सो हिंडरिंग द इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म मतलब आप शिकायत कर रहे हैं, अगर आप कहीं पे इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं नहीं मिल रहा है तो आप उसकी शिकायत करते हैं, और जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो जिसकी वजह से उनको जो चाहिए इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। उसके बाद इम्यूनिटीज, देखिए इम्यूनिटीज इंजॉयड बाय सिविल सर्वेंट्स एंड डिपार्टमेंटल अप्रूवल्स प्रायर टू अनक्लासिफाइड एनी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, मतलब ये कि कुछ ऐसी इम्यूनिटीज दी गई है किसको, सिविल सर्वेंट्स को, जिसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन, सपोज दैट कि कोई नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, तो उसको भी छुपा लिया जाता है, उसको भी नहीं बताते हैं। उसके बाद एक और प्रोसीजर है कि डिपार्टमेंटल अप्रूवल चाहिए, किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप आम जनता को देना है तो उसका डिपार्टमेंटल अप्रूवल लेना होता है, जिसमें टाइम लगता है और जिसमें कभी कभी लोग अवॉइड भी कर देते हैं, डिपार्टमेंटल अप्रूवल नहीं देते हैं ड्यू टू मेनी रीजन्स, उसमें आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट भी हो सकता है, करप्शन भी हो सकता है। उसके बाद थ्रेट टू एक्टिविस्ट, जो एक्टिविस्ट बेचारे इसलिए काम करते हैं तो उनको जो है जीवन का ही थ्रेट होता है, लाइफ का ही थ्रेट होता है, और ऐसा देखा भी गया है कि बहुत सारे एक्टिविस्ट को मार भी दिया गया है, तो ऐसे में जो एक्टिविस्ट हैं उनको उनको भी थ्रेट रहता है। उसके बाद डिलेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, देर आर डिलेज इन डिस्पोजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग अप्लीकेशन, कोई अप्लीकेशन आया है कि हमको फला फला इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो सालों साल जो है ऑफिस में फाइल लटकी हुई है, आगे ही नहीं बढ़ रही है। ओके, फिर उसके बाद डिजिटल आउटरीच, दो यूजेज ऑफ ई गवर्नेंस
टूल्स इंक्रीजिंग बट अर्बन रूरल डिजिटल डिवाइड स्टिल वाइडर, सो रूरल पब्लिक ऑफिसर्स अनेबल टू यूटिलाइज द ग्रोइंग ई गवर्नेंस मॉडल ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी, नो अवेयरनेस ऑन कंप्यूटर यूजेज एक्सेट्रा। एक जो ये डिजिटल डिवाइड है, हम कितना भी डिजिटल इंडिया कर लें लेकिन ये डिजिटल डिवाइड जब तक खत्म नहीं होगा तब तक डिजिटल इंडिया सक्सेसफुल नहीं होगा। डिजिटल डिवाइड का मतलब दोस्तों ये है कि एक मान लीजिए ये कंट्री है, तो इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डिजिटली सब कुछ पता है, मतलब बहुत ज़्यादा पता है, सब कुछ तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ वो डिजिटली बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी भी है और वो कैसे यूज करना है वो भी वो जानते हैं। लेकिन एक दूसरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिसको ना तो प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल रही है और ना ही उनको बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी है कि कौन सी सर्विस कैसे यूज करना है। तो ये जो गैप है दोनों के बीच में, इसको हम डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। तो डिजिटल आउटरीच तो बढ़ रहा है लेकिन ड्यू टू डिजिटल डिवाइड एंड लैक ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी दे आर नॉट एबल टू एक्सेस द ऑल सर्विसेज ऑफ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। उसके बाद कुछ ऐसा कल्चर ही डेवलप हो गया है कि इंफॉर्मेशन देने से मना कर देते हैं, मतलब एक एटीट्यूड डेवलप हो गया है कि अरे यार हम तो जानते हैं लेकिन हम बताएंगे नहीं। ठीक है, उसके बाद टू मच सेंट्रलाइजेशन एंड मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स कॉलिंग फॉर सिक्रेसी। सिक्रेसी के नाम पे बहुत सारे मिस इंटरप्रिटेशन किए जाते हैं, जो जेन्युइन इंफॉर्मेशन होती है जिसको आम डोमेन में होनी चाहिए, आम पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, वो भी नहीं हो पाती है। उसके बाद माल प्रैक्टिसेस एंड करप्शन, लैक ऑफ इफेक्टिव कैपेबल एंड कम्पिटेंट लीडर लीडरशिप विद इन द एजेंसीज, मतलब कि जो किसी ऑफिस के बॉस हैं उनके अंदर उतना क्षमता नहीं है, मतलब वो करना नहीं चाहते, उनके पास इतना विल पावर नहीं है वो इस चीज़ में आगे आकर के अपना लीडरशिप क्वालिटी दिखाएं और इसको अच्छा करें। ठीक है, तो ये भी एक समस्या है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ क्लियर वैल्यू प्रपोजिशन, मतलब कि सिंपल सी बात है कि जो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑफिस में, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जो वैल्यू प्रपोजिशन होता है उसका भी बहुत ज़्यादा कमी है, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, जस्ट अ मिनट, कुछ मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम इसको ठीक कर सकते हैं, इसमें सुधार ला सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला है कि आरटीआई एक्ट को और मजबूत बनाना है। ठीक है, इसको लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करना है, ना कि बस ऐसे ही बन गया है तो ठीक है चल रहा है चल रहा है। उसके बाद ओथ ऑफ सिक्रेसी होनी चाहिए, जितना भी जो आप कह सकते हैं जितना सिविल सर्वेंट हैं, पॉलिटिशियन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको एक ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी, सॉरी ओथ ऑफ ट्रांसपेरेंसी दिलानी चाहिए कि वो उस चीज़ के लिए कमिटेड हों कि जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास होगी जो कि आम जनता को जानना चाहिए उसको जल्दी से जल्दी और सही शब्दों में, सही लैंग्वेज में, सही समय पे प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट जो है, इसको देखिए, इसको कहा तो जाता है कि इसको हटा ही देना चाहिए लेकिन मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, इसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। पूरी तरह से तो नहीं हटाया जा सकता क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का भी एक मैटर है इसमें, तो ऑफिशियल सिक्रेसी एक्ट को रिपील ना करके अमेंड आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अमेंडमेंट करना चाहिए उसमें। उसके बाद ई गवर्नेंस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना बढ़ाना चाहिए। डिजिटल डिवाइड हमने कहा कि इसको जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तब तक संभव नहीं है कि जो ऑनलाइन और इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है वो आम जनता तक पहुंच पाएगी। सोशल ऑडिट को अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहिए। दोस्तों सोशल ऑडिट क्या होता है ये हम गवर्नेंस वाले सेक्शन में अच्छे से इसको एक्सप्लेन किए हैं, तो वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। सिंपल सी बात ये है कि इसको हम आसान शब्दों में समझा दे रहे हैं। सोशल ऑडिट का मतलब ये है कि सपोज दैट कि ये कोई एक विलेज है और यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई स्कीम चल रही है, चलो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रख लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑडिट करना है वो इस, जैसे देखिए क्या है कि इस विलेज में ये रोड बन रहा है तो इस विलेज के कुछ लोगों को मिला लो इसमें जो सोशल ऑडिट कमेटी होगी, और कुछ जैसे ब्लॉक लेवल के कुछ अधिकारी हैं उनको मिला लो, तो जो ऑडिट कमेटी बने उसमें जिस सोसाइटी में काम हो रहा है उस सोसाइटी के लोग को ही इन्वॉल्व करके एक कमेटी बनाई जाती है और वही कमेटी ये डिसाइड करती है कि जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका सोशल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल इन सब पे क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह जो प्रोसीजर होता है इसको हम सोशल ऑडिट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ट्रांसपेरेंसी और इंफॉर्मेशन शेयरिंग को सिस्टम को मजबूत करना है तो सोशल ऑडिट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद मीडिया को थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहिए, थोड़ा सा मीडिया के प्रति अवेयरनेस होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये जो मीडिया है ये अपना रोल सही से प्ले करे,
कि किसी की तरफ बायस्ड होकर के काम ना करे, तो इसकी एक ज़रूरत है कि मीडिया को स्ट्रांग बना करके हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो मैकेनिज्म है इसको हम स्ट्रांग कर सकते हैं। उसके बाद अब सिटीजन चार्टर क्या होता है? सिटीजन चार्टर शुड बी पब्लिश्ड ऑन सर्विसेज अवेलेबल। देखिए सिटीजन चार्टर भी हम गवर्नेंस वाले अपने लेक्चर सीरीज में बताए हैं, लेकिन यहाँ पे ये जान लीजिए कि सिटीजन चार्टर क्या होता है। जैसे सपोज दैट कि ये एक गवर्नमेंट ऑफिस है, तो सिंपल सी बात है कि अगर गवर्नमेंट ऑफिस है तो ये ऑफिस कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाती होगी, ठीक है। तो सिटीजन चार्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल कि ये ऑफिस अपने ऑफिस के सामने एक साइन बोर्ड लगा दी और उसने ये लिस्ट कर दी कि हम ये सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, इन सर्विसेज को प्रोवाइड करने में इतना टाइम लगता है, और ये जो सर्विसेज हैं इसका क्वालिटी क्या होगा और ये किस स्टैंडर्ड का होगा, ये सब चीज़ें अगर पूरा इंफॉर्मेशन ये पब्लिक ऑफिस मेंशन कर देती है अपने वेबसाइट पे और अपने ऑफिस के सामने, तो ये जो डॉक्यूमेंट पूरा तैयार होता है, ये जो एक साइन बोर्ड पूरा तैयार हुआ है, इसको हम बोलते हैं सिटीजन चार्टर, ठीक है ना। तो सिटीजन चार्टर सिंपल सा एक फंडा है, एक मैकेनिज्म है इंफॉर्मेशन शेयरिंग का। तो ये सब सारी चीज़ों को हम मजबूत करके, सुधार ला करके, जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग और ट्रांसपेरेंसी का एक मैकेनिज्म है, हम उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जरूरी थी, इसलिए इसको हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई कुछ एड ऑन करना है आपको, तो आप हमको सिंपली कमेंट में लिख सकते हैं या फिर हमको डायरेक्ट टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।